आज हम वृद्धि और विकास में अंतर को समझेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे कि विकास होता क्या है, डेवलपमेंट, वृद्धि, ग्रोथ क्या होती है और इन दोनों के बीच में बेसिक अंतर क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट, विकास। विकास शब्द का तात्पर्य मानव में होने वाले परिवर्तन से है। विकास में आपको परिवर्तन से ही रिलेटेड है। विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इसका मतलब यह है कि विकास तभी आपका कहा जाएगा कि आपने डेवलपमेंट हुआ है आपके अंदर, यदि आप में कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। और विकास का प्रारंभ यदि कहा जाए, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है, तो यह प्री नेटल पीरियड से स्टार्ट हो जाती है और कब तक चलती है, टिल डेथ तक, जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती है। इसका मतलब यह है कि विकास लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है मतलब कि यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी रुकती नहीं है, परंतु विकास तभी माना जाएगा जब आप में कुछ परिवर्तन दिखाई दें। मान लेते हैं कि आप कोई भी स्किल सीखते हैं तो फर्स्ट दिन आपको आपका कुछ भी इम्प्रूवमेंट ना दिखे, परंतु समय बीतने के साथ साथ यदि आप में कुछ परिवर्तन होता है तो माना जाएगा कि आपके इस स्किल सीखने में व्यक्तित्व विकास में हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई बच्चा फर्स्ट टाइम स्कूल में एडमिशन लेता है तो उसके जीवन में, उसके व्यक्तित्व में, उसके व्यवहार में बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो विकास बेसिकली परिवर्तन को दर्शाता है। यदि आप कोई भी चीज़ सीखते हैं और सीखने के बाद इम्प्रूवमेंट दिखता है तो हम मानते हैं कि आपका विकास हुआ है। और विकास प्रीनेटल पीरियड, गर्भावस्था से टिल डेथ, जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक चलती रहती है, यह कभी नहीं रुकती है। विकास हमको का मतलब ही है परिवर्तन। डेवलपमेंट मींस चेंज। तो ये चेंज के दो तरीके से आपको देखने को मिलते हैं, एक मात्रात्मक और गुणात्मक, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अब विकास समझ लिए तो ग्रोथ, वृद्धि को जानते हैं। वृद्धि विकास का एक हिस्सा है। आप समझें कि डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा एरिया है, उसमें से वृद्धि विकास का एकमात्र हिस्सा है। ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। मानव शरीर के अंदर होने वाले वे परिवर्तन जिसे मापा जा सके उसे वृद्धि कहते हैं। आप वृद्धि का डेफिनेशन देख सकते हैं, जिसे आप मेजर कर सकते हैं। मानव शरीर में जो भी परिवर्तन होता है सिर्फ उसी को ही हम वृद्धि या ग्रोथ कहते हैं। हमने देखा कि जो डेवलपमेंट होता है उसको हम दो रूप में देखते हैं, वो जो परिवर्तन होते हैं, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। तो हम जान लेते हैं कि ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होते क्या हैं। मात्रात्मक परिवर्तन, शरीर के आकार में परिवर्तन जिसे मापा जा सके, शरीर का शेप जिसे हम माप सकते हैं, जैसे किसी भी व्यक्ति की वेट, हाइट आप मेजर कर सकते हैं, यह मात्रात्मक है, क्वांटिटेटिव है। और गुणात्मक परिवर्तन जिसमें आप क्वालिटी, गुण को मेजर कर नहीं किया जा सकता, इसलिए मात्रात्मक परिवर्तन में आप मेजर कर सकते हैं, पर गुणात्मक परिवर्तन को पूर्णतः सही रूप से मेजर नहीं किया जा सकता। आप गुणात्मक परिवर्तन में उसकी लैंग्वेज कैसी है बोलने की, मेंटल स्टेटस क्या है, इमोशनल कंट्रोल कैसा है, फिजिक डिफरेंस देखेंगे। ग्रोथ यह शारीरिक परिवर्तन को दर्शाता है, परंतु विकास संपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है। और आप ग्रोथ के एग्जांपल में शारीरिक मतलब फिजिकल चेंजेस देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल उसकी वेट, हाइट कैसी है, जिस परंतु विकास में आप किसी भी बच्चे का, वह शुरू में पलटता है, फिर बैठना शुरू कर देता है, फिर चलना शुरू कर देता है, फिर
फिर उसके पास प्रजनन क्षमता, जनन अंग का डेवलपमेंट होता है, परिपक्वता आती है। ये सारे परिवर्तन हैं जो आपको देखने को मिलता है, यह डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है और यही परिवर्तन विकास को दर्शाता है। वृद्धि को हम मेजर कर सकते हैं, हम माप सकते हैं और उसे ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, देख सकते हैं, परंतु डेवलपमेंट को हम माप नहीं सकते पूर्णतः और इसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हम अवलोकन नहीं कर सकते। किशोरावस्था परिपक्वता आने पर वृद्धि रुक जाती है, एक समय बाद वृद्धि रुक जाती है, किंतु डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस है। जब तक डेथ नहीं हो जाती तब तक डेवलपमेंट व्यक्ति का होता रहता है। ग्रोथ जो कॉन्सेप्ट है इसकी धारणा संकुचित है, जबकि डेवलपमेंट एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इसकी धारणा व्यापक है। ग्रोथ ए सिंगल एस्पेक्ट है, यह एक पक्ष में परिवर्तन को दर्शाता है, इसलिए इसे सिंगल एस्पेक्ट में ही देखते हैं, परंतु डेवलपमेंट बहुपक्ष में परिवर्तन को देखा जाता है। डेवलपमेंट ग्रोथ को भी साथ में लेके चलता है और किसी भी व्यक्ति का मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, उसकी लैंग्वेज कैसा है, ये सारे पक्षों को देखा जाता है, इसलिए डेवलपमेंट का एरिया ब्रॉड है। वृद्धि यह बाह्य एक्सटर्नल आवरण है, क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति को फर्स्ट टाइम देखते हैं तो आप उसके ग्रोथ को ही ऑब्जर्व कर पाते हैं कि उसकी हाइट कैसी है, वेट कैसी है, इन चीज़ों का अंदाजा लगा सकते हैं, परंतु किसी भी व्यक्ति का डेवलपमेंट के बारे में आप अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि डेवलपमेंट के अंतर्गत बहुत सारे एरियाज आते हैं कि उसकी बोलने की कला, लैंग्वेज क्या है, कितनी लैंग्वेज उससे आती है, उसका मेंटल स्टेटस क्या है, इमोशनल कंट्रोल क्या है, उसका व्यक्तित्व विकास क्या है, इसलिए डेवलपमेंट एक ब्रॉड एरिया है, इसे आसानी से मापा नहीं जा सकता और इसे ऑब्जर्व करके अंदाजा नहीं लगा सकते कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास कैसा है, इसका डेवलपमेंट कैसा है, परंतु ग्रोथ को आप फर्स्ट टाइम देख के अंदाजा लगा सकते हैं। डेवलपमेंट के बारे में यदि आपको सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है, यदि देखना चाहें तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। उस डेवलपमेंट में एरियाज, डेवलपमेंट क्या होता है, इसके डायरेक्शन क्या है, इसके डोमेन क्या है, इसको बहुत ही विस्तार से उस वीडियो में समझाया गया है। आकार की बात की जाए तो यह वर्तालुकार, चक्राकार या स्पाइरल होती है, जो ऊपर से नीचे की ओर आती है। आप देख सकते हैं ये शेप है,